हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है दोस्तों VPH वोल्टेज के बारे में और VBAT वोल्टेज के बारे में। तो कई भाइयों को पता नहीं है कि VPH वोल्टेज क्या होती है और VBAT की वोल्टेज क्या होती है। तो ये वीडियो जिन भाइयों को पता नहीं है उसके लिए ये। तो बाकी ऐसी कॉमेंट मत करना, ये सब तो हमको पता ही है ऐसी। तो कई भाइयों बोल रहे थे कि VPH वोल्टेज क्या होती है और इसको हम किस तरीके से पता लगाएं कि हमारी VPH वोल्टेज कहाँ पर होती है। तो आज आपको सही ट्रिक से मैं समझा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इस तरीके से एक डायग्राम बनाया है। तो जो हमारी बैटरी कनेक्टर होती है दोस्तों, वहाँ से दोस्तों हमारी क्या सप्लाई हो गई, VBAT की सप्लाई हो चुकी है। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हो, एक IC होती है, DC टू DC कन्वर्ट एक IC होती है। उसके बाद दोस्तों हमारी जो वोल्टेज निकल के जाती है दोस्तों, वो हमारी VPH वोल्टेज हो गई। तो आपको एक बात और भी बताता हूँ, देखिए दोस्तों, ये DC टू DC IC है। उसके बाद दोस्तों हमारी PMI IC हो गई। तो कहीं में DC टू DC IC PMI IC में ही आती है, तो उसके बाद ही दोस्तों वो VPH वोल्टेज कहलाती है। तो कहीं में दोस्तों ये अलग से IC आती है और कहीं में दोस्तों PMI में आ जाती है, उसके आजू बाजू में कहीं मिल जाती है ऐसी छोटी सी IC। तो आप VPH के बारे में दोस्तों समझ चुके होंगे। तो अभी एक बात और भी मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए दोस्तों, आपने फ़ोन आपके पास कोई भी आया, उसमें शॉर्टिंग है, तो आपकी जो शॉर्टिंग होगी दोस्तों, वो अपनी VBAT की सप्लाई पे शॉर्टिंग होगी तो आपको तुरंत ही दिखाई देगी। अगर VPH में आपकी शॉर्टिंग होगी तो आपको शॉर्टिंग बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ से पूरा कनेक्शन ही दोस्तों अलग हो जाता है DC टू DC IC से। तो इस तरीके से इसको चेक किया जा सकता है। तो आपको दोस्तों इसमें समझ में आ गया होगा कि VPH वोल्टेज कहाँ पे होती है, VBAT की वोल्टेज कहाँ पे होती है। तो आपको इस बारे में सब कुछ दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारी EMMC है दोस्तों, CPU है, वहाँ पे भी मैं इसकी वोल्टेज भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये IC काम क्या करती है, सभी भागों में दोस्तों अलग अलग वोल्टेज हमारा निकल जाता है PMIC से। तो उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हमारा PMIC से जो वोल्टेज निकल जाता है वो उसको कन्वर्ट कर देती है हमारी PMIC। तो आप समझ चुके होंगे VPH वोल्टेज के बारे में और VBAT वोल्टेज के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आए होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।